रवि ओझा आपके पास आऊंगा मैं कि सदन के अंदर चर्चा नहीं हो तो कहां चर्चा हो, धरना हो, प्रदर्शन हो, राजभवन का घेराव हो, उसके बाद खत्म हो जाए। आप कहते हैं कि बड़ा ही सेंसिटिव मुद्दा है और सदन में चर्चा से भाग रहे हैं, ऐसा क्यों? बिल्कुल बिल्कुल सदन में चर्चा होनी चाहिए, सदन में चर्चा का पक्षधर हूं, सदन में चर्चा का पक्षधर हूं, लेकिन विक्षोभ करना, विरोध करना, रास्ते पर उतरना, ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। इस अधिकार कोई और कर नहीं सकता। लेकिन हमेशा से जमीनी मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन मुद्दों से भागती आई है, तो क्या गारंटी है कि जब उन मुद्दों पर चर्चा के लिए नहीं बैठे? आज लोग महंगाई से त्रस्त हैं, कोरोना से त्रस्त हैं, इन सारे मुद्दों पर चर्चा के लिए कोई भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं, उनके नेता तैयार नहीं हुए। इनका एकमात्र सूत्राधार है किस तरीके से किसी सरकार को गिरा करके वहां पे सत्ता को काबिज कर लेना, इसके अलावा ये लोग कुछ नहीं जानते। तो ये पहले आगे बढ़कर के आए। चलिए संजीव झा भी हमारे साथ जुड़े, लौटूंगा उनके पास जल्दी से, लेकिन हमारे मनीष सहयोगी भी हमारे साथ। मनीष, जो पुराने आधार है, किसानों का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, इन सब मुद्दों के आधार पे ये जो चीज रणनीति बनाई जा रही है रिजेक्ट करने की, कि सरकार का स्टैंड रिजेक्ट कर दें, हम सदन में चर्चा से पहले शर्तें रख दें, हम पहले ही प्रदर्शन शुरू कर दें, ये रणनीति कहां जाती दिखाई दे रही है? क्या ये किसी ठोस नतीजे तक पहुंचेगी क्या? देखिए, इसके पीछे दरअसल विपक्षी दलों की यही दलील है कि अक्सर जब हम इस तरह के मुद्दों पर सदन में चर्चा की मांग करते हैं तो हमें समय नहीं दिया जाता है, हमें सदन में चर्चा कराने नहीं दिया जाता है। और आज की तारीख में भी अगर आप देखें, अभी मानसून सत्र चल रहा है, 19 दिन का ये कार्यकाल होना था और इसमें 31 बिल पास होने थे, तो विपक्षी दलों का यही कहना था कि अगर आपका टारगेट ही है कि हमको 31 बिल पास करने हैं 19 दिन में, तो फिर आप दूसरे मुद्दों की कब चर्चा करेंगे? कब आप कोरोना को लेकर चर्चा करेंगे? कब आप महंगाई पर चर्चा करेंगे? कब आप रोजगार पर चर्चा करेंगे? कब आप चीन के अतिक्रमण पर चर्चा करेंगे? तो ये उनकी दलील है। वहीं सरकार की दलील है कि कंपनी ने इस बात को खारिज कर दिया। देखिए, दो बातें तो महत्वपूर्ण है। पहली बात है, कंपनी को धंधा करना है तो कंपनी कैसे कहेगी? दूसरी बात है, यह मसला केवल भारत में नहीं है, उसी कंपनी पर यह आरोप लगे थे कि उनकी सर्विलांस की वजह से सऊदी पत्रकार जमाल खशोगी की जान गई थी, और तब इसी कंपनी के एक प्रमुख ने अमेरिकी टीवी चैनल पर इस बात को लेकर अफसोस जताते हुए कहा था कि हमें अंदेशा नहीं था कि हमारे सॉफ्टवेयर की वजह से किसी की जान तक जा सकती है। तो ऐसी चीजें हो रही है, और निश्चित तौर पर अगर ऐसी चीजें हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है मुलायम सिंह के ऐसी संपत्ति के मामले में कि अगर सार्वजनिक पदों पर बैठे हुए लोगों पर गंभीर आरोप लगते हैं तो वैसी स्थिति में निष्कलंक होने के लिए जांच कराने में कोई हर्ज नहीं है। जी अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारत वर्ष पर। News Top 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।